महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के इस मुख्य महोत्सव कार्यक्रम में आज हम सब यहाँ पर विगत एक सप्ताह के दौरान या विगत एक वर्ष के दौरान जिन छात्रों ने अपनी प्रतिभा से अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है, विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं में उनका सम्मान करने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन मुख्य महोत्सव के साथ ही हम सब यहाँ पर भारत माता के एक महान सपूत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी, ब्रिगेडियर लीडर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और अन्य सैन्य कर्मियों के अभी दो दिन पूर्व एक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में दिवंगत होने पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। विंग कमांडर वरुण सिंह, जो इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया के निवासी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करने के लिए भी आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम सब जानते हैं कि एक वर्ष पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समारोह में अपना मार्गदर्शन देने के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को, संस्थाओं को यहां पर आए थे। और उस समय आपने देखा होगा एक सैनिक किस रूप में संपूर्ण समर्पण भाव के साथ देश की सेवा करता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण जनरल बिपिन रावत थे। कैसे उन्होंने उस समय भी अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं का, यहां पर अध्यापन के कार्य से जुड़े हुए, व्यवस्था से जुड़े हुए प्रधानाचार्य, आचार्य, शिक्षकों का और यहाँ पर अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं का या विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए छात्र छात्राओं का, प्रशिक्षकों का उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया था। जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के साथ ही एक दूरदर्शी सैन्य अधिकारी भी थे। और आपने देखा होगा 7 दिसंबर को जो उन्होंने अपना अंतिम वक्तव्य दिया था, वो एक दूरदर्शी व्यक्ति की सोच को स्पष्ट प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि हमें भविष्य की उन चिंताओं पर जरूर विचार करना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना होगा जो जैविक युद्ध के रूप में मानवता के सामने एक संकट खड़ा कर सकता है। 8 दिसंबर को सभी समाचार पत्रों ने CDS जनरल बिपिन रावत के इस वक्तव्य को प्रमुखता के साथ छापा भी है। दुर्भाग्य से आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं की ओर से भी दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने एक समर्पित उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी को, ब्रिगेडियर लीडर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान
अन्य सैन्य कर्मियों को जिन्होंने इस पूरे इस दुर्घटना के दौरान जो आज हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है उन सब के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विंग कमांडर वरुण सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी ईश्वर से करता हूं। मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस मुख्य महोत्सव में केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।